मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और एचआर हेड को 9 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, दिल्ली की खराब हवा के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं। यूपी में तेजी से बढ़े डेंगू के मरीज, कुल केस 16,000 के हुए पार। वोट की अपील करेंगे राजकुमार राव, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकन। पंचकुला के हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर मरीज की हुई मौत। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पर लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक कल। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में कार एक्सीडेंट में भाजपा महिला की जलकर हुई मौत। NCERT की किताब में इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा, पैनल ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राजस्थान के भरतपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के भरतपुर में ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या पर बोली पुलिस, सगा भाई हो सकता है आरोपी। गुजरात में गरबा के दौरान मामूली बहस में 2 लोगों की हुई हत्या। इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।